Allah, 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 Allah. Isfa' illa Allah, ya Muhammad. इमरान खान अब वज़ीरे आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। जब से इमरान खान इक्तदार से बाहर हुए हैं, उनके वोटर्स सपोर्टर्स ने एहतजाज का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तारकीन वतन पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन्होंने एहतजाजी मज़ाहरों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। बरतानिया, यूरोप, अमेरिका में इमरान खान के हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं और इन रैलियों में पाकिस्तान में करप्शन, लाकानूनीत, महंगाई, बेरोज़गारी ज़ेर बहस नहीं, बल्कि ख़ुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर बात हो रही है। जो नारा, अब नया नारा इमरान खान ने कौम को दिया है कि ग़ुलामी से निजात। इससे पहले इमरान खान जब इक्तदार में आए तो उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ नारा दिया था कि वो इनको गिरफ़्तार करेंगे जो करप्ट लोग हैं, लेकिन 3.5 साल के दौरान एक भी करप्शन का केस साबित नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तनकीद का सामना रहा। लेकिन एक लेटर उनके हाथ क्या लगा कि वो शोहरत और वो मर्तबा इमरान खान के हाथ में दोबारा हमें आता हुआ दिखाई दिया कि इमरान खान एक वक्त ऐसा था एक माह कबल तक कि उनकी जो सियासी पॉलिटिकल ग्राफ था वो बहुत नीचे गिर चुका था। जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान में करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस लेटर ने इमरान खान को दोबारा से हीरो बना दिया है और उन्होंने इसी के ऊपर गनीमत समझी और इसी को अब वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं और असेंबली से भी इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये एहतजाज उनको दोबारा इक्तदार में वापस ला सकेंगे, क्या एंटी अमेरिकन नारे इमरान खान को पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में दोबारा वापस ला सकेंगे। ये इंतज़ार है सबको, क्योंकि हमने देखा माजी में जमात इस्लामी एंटी अमेरिका होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर हुआ करती थी। अब इमरान खान ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है। क्या अमेरिका से वो टक्कर ले सकेंगे ज़्यादा अरसा तक? क्या हिकमत अमली होगी, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। लेकिन उनको जिस तरह से पिजीराई मिल रही है, उनके नारे को, उनके इकदाम को पब्लिक में उनके वोटर सपोर्टर जिस तरह से पिजीराई दे रहे हैं, वो काफ़ी काबिल। नाराए तकबीर, नाराए रसाले, नाराए हैदरी। मैं कहूँगा इम्पोर्टर इतना कहना चाहूँगी आज के दिन कि ये पाकिस्तान हमने खून की नदियाँ बहा के लिया था और वो खानदान जिनकी तीसरी नस्ल इन खून। अच्छा, मैं खातिर से दरखास्त करूँगा किसी से कि आके वो अपने ख्याल का इजहार करें।